Hey guys, good afternoon, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस, दोपहर के 3 बजे आज के इस ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है। कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी छोटी सिस्टर का जो बेटा है पीयूष, उसका आज कुआ पूजन है, तो हम सब लोग वहीं पे जा रहे हैं। सो वैसे मैंने इसी वजह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि आज ब्लॉग लंबा होने वाला है, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, मस्त सा ब्लॉग बनाएंगे। सब रेडी हो चुके हैं घर वाले, सामान भी गाड़ी में लोड हो चुका है, और भाई किसी और की गाड़ी करने से अच्छा है, पैसे भी बचेंगे, अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं। कम थोड़ी है यार, 5 लाख रुपए की गाड़ी है। तो चलिए निकलते हैं, मस्त सा ब्लॉग शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए था कि आज मेरे भांजे का कुआ पूजन है, वहाँ पे हम सामान सट्टा लेके जा रहे हैं, जिसको चोचक बोलते हैं। मेरे साथ आया मेरा अमित सुनील पंडित, और आते के साथ ही भाई नाश्ते की टेबल पे बैठा दिया है। पीछे की तरफ भी नाश्ते के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो पहले नाश्ता खींच लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रोग्राम आपको दिखाएंगे क्या क्या होगा। ये कुआ पूजन के लिए जा रही है कौन सी? हाँ,
जब से पहले तो डीजे बजने में लगा हुआ था, ढाई ढाई बजे सर में दर्द कर दिया डीजे ने, उसके बाद में जागरण की तैयारी हो गई, हमारा नाश्ता पानी हो गया है, बस चोचक पहराना बाकी है। तुलसी का जो कुआ पूजन हुआ है उसके वीडियो बनाने के लिए मैंने अंजलि को फोन दे दिया था, जो भी वीडियो बने उसी के हाथ के हैं, अब कैसे बने मैं ब्लॉग एडिट करूँगा तब पता चलेगा। फिलहाल मैं, हमारे जो चंचल के हस्बैंड हैं वो और मेरा दोस्त सुनील, तीनों के तीनों तुलसी के नए वाले घर में आके बैठे हुए हैं। उधर भीड़ भाड़ में मन नहीं लग रहा था तो हम लोग इधर आके बैठ गए शांति से, इधर कोई भी नहीं है रिश्तेदार वगैरह। ये तुलसी का नया वाला मकान है, जब ये इसकी ओपनिंग हुई थी जब मैं आया था मैंने वीडियो बनाया भी था, पीछे जाके चाहो तो देख सकते हो। बस चोचक पहराना, उसके बाद में घर निकल जाएंगे। छोटा भाई बुरा रहेगा क्योंकि रात में इनके यहाँ पे जागरण का प्रोग्राम है। अभी थोड़ी देर पहले जो ढोल ताशे से बज रहे थे ना वो जागरण के लिए है, हमारे यहाँ नोगल में बोलते हैं इसको डमरू वाला जागरण, और असली जागरण यही है, जो बड़े बड़े स्टेज लगा के जागरण होते हैं वो जागरण नहीं है, वो खाली पैसा फूंकना है। बुरा, ओ बुरा, अरे भवनों ने पे लग रहा है, ठीक हो करवा ले फिर भवन बन लियो, ठीक है। तो गाइस जिस काम के लिए आए थे मेरे भांजे का छोचक लेके वो काम हो चुका है, अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। और ये हमारी एक ऑडियंस है, क्या नाम है? मयंक नाम है तुम्हारा भी? लो भाई मयंक की तरह इसका भी नाम मयंक है। वीडियो देखते हो क्या? कौन सा चैनल है? पता है फिर तो भाई, झूठ नहीं बोल रहा बंदा, देखता है इसका मतलब। तो सारा काम हो चुका है, चोचक वगैरह पहलाने का वो काम हो गया है, अब निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए, खाना पीना भी हो चुका है हमारा। गाइस फाइनली घर आ चुके हैं, रात के बज गए हैं लगभग 10:45, और भाई पैर में ऐसे चोबे से ठुके हुए, बहुत बुरी तरह से थक गए यार इधर से उधर घूमने में, क्योंकि तुलसी का जो प्रोग्राम था वो पुराने वाले घर पे था, वहाँ से नए की तरफ गए और लगभग भाई कम से कम 300 से 400 मीटर दूर है जो पुराना वाला घर से, उसके तुलसी ने जो नया मकान बनाया वो, तो दो चक्कर तो उधर के लग गए। फिर रिश्तेदारों में बोलने बात करने में इधर से उधर घूमने में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इतने घूमने की मुझे आदत है नहीं। डांस गाने का प्रोग्राम चला हुआ था, इतना थक गया था कि जब जो कुआं पूजने जाते हैं ना, तो गाइस मैंने अपनी बेटी अंजलि को मोबाइल पकड़ा दिया था कि थोड़ा सा तू ब्लॉग बना ला, अब कैसा बना है वो तो वो ही जाने, एडिट करूँगा तब बताऊँगा। फिलहाल हम घर आ चुके हैं और बुरी तरह से थके हुए हैं, 10:45 का टाइम हो चुका है, सोने की तैयारी करते हैं। हालांकि गाइस मेरा दिल ये कह रहा कि जैसा मैं ब्लॉग बनाना चाहता था वैसा उस तरीके से नहीं बन पाया है, क्योंकि यार सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन अपनी जो लिमिटें हैं ना उसमें रहना पड़ता है, कई बार चूक हो जाती है। फिर भी आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ब्लॉग, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना।
चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।